हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? तो भिलाई सेक्टर में यहाँ पे शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया था। तो मम्मी और दादी दोनों यहाँ आए थे और यहाँ पे मम्मी दादी बैठे हैं, भीड़ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमारे चैनल पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भजन कीर्तन करना और सुनना बहुत पसंद है, तो हमने सोचा क्यों ना उनके लिए भी वीडियो बना लिया जाए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है और जो देखना चाहे देख सकते हैं, और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए आपको कथा सुनाते हैं और डिस्टर्ब नहीं करते ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा पास चलते हैं और आपको फिर सुनने में भी अच्छा लगेगा और आप देख भी पाएंगे। और गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखिए और पास से आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आप कथा एंजॉय करो और लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और बेल आइकन अंदर में मत भूलिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सीहोर के महाराज आए हैं और उन्हीं के द्वारा ये कथा सुनाई जा रही है। तो कथा को करिए एंजॉय और वीडियो को कर दीजिए लाइक। पत्र में लिखा है, आप प्रयास करिए गुरु जी, मेरी बेटी ने ईसाई धर्म अपना लिया और मैं बहुत परेशान हूं, वो वापिस हिंदू धर्म में आ जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। अभी हम कथा करने के लिए नवे गांव गए थे, नवे गांव में भी लोगों ने पत्र में लिख कर दिया ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिंदू धर्म में वापिस सजा ऐसा प्रयास करिए। इसमें गलती बेटी की नहीं है, इसमें गलती हमारी होती है। हम किसी को अपने धर्म के अंतर्गत घुसने का मौका क्यों दें? फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर जलेबी रखी हुई है, थाली में जमी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है, मुंह में पानी भी आएगा, और एक जलेबी घर में बन रही है। दोनों जलेबियों में सबसे अच्छी जलेबी आपको कहां की लगेगी? दुकान पर जमी हुई, दुकान पर रखी हुई, ऐसी जोरदार दिख रही है, कढ़ैया में से बाहर निकल रही है, चासनी में से बाहर निकल रही है, वो इमरती, वो जलेबी, वो आपको दुकान पर रखी हुई जलेबी अच्छी लगेगी, खाने में आनंद आएगा। बाहर दुकान पर चाउमीन खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर पानी पतासा खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर तुम्हें पानी पूरी खाने में आनंद आएगा, और वही पानी पूरी घर में रखेगी नहीं आनंद आएगा, वही चाउमीन बनेगा। जीवन को सार्थक करता शिव पुराण करते शंकर शिव स्मरण करते महाराज कह दिया भगवान शिव ने, भगवान मंगलधानी भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे, भगवान शिव की कथा कह रही है। तुम जाओ, तुम तुमरुपा जी से कहो कि कथा प्रारंभ करें, मैं कथा श्रवण करने के लिए स्वयं आऊंगा और कथा स्वयं करूंगा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बिलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है या आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देगा। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगेगा, लगाते हैं अरे जम के तो बोलो, वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता, जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है, अब लग रहा है डॉक्टर को तो इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं है, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में लगाया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई,
जिसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाया, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसी प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर, तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है खाली नहीं जा सकता, तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त हो, जो तूने समर्पित कराया तुझे। सास ने उसको कहा, बेटा एक एक दाना सही से मिलना हो चावल को। हाँ मम्मा। अब बहू कचौड़ी तल रही थी, सास ने चिल्ला के बोली, एक एक कचौड़ी सही से तलना हो। हाँ मम्मी। अब वो बेचारी प्रेस कर रही थी, सास ने एक एक कपड़े में सही से प्रेस करना हो। हाँ मम्मी। अब आज बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 3 घंटे निकल के बाहर बनी है, तो सास ने आवाज लगाया, बेटा रोटी वोटी नहीं बनाना जो बाथरूम में बैठी हुई है, क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैंपू कर रही है। अब उसके सास ने दूसरी बार क्यों नहीं बंद कर दिया कि एक एक कचौड़ी को शैंपू कर लिया, क्योंकि उसको मालूम है अगर बाथरूम में जाकर बैठ गए तो 3-4 घंटा लेना चले। अब वो भी कह रहे कि मैं तो एक एक नखून को घिस रही थी साबुन से, फिर एक एक उंगली को घिसा, फिर हथेली को घिसा, फिर हाथ को घिसा। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप ध्यान कर लो प्रभु, आपसे बड़ा कौन है? भगवान विष्णु ने कहा भक्त, पार्वती जी ने भी पूछा आपसे बड़ा कौन, तो देवत तो ब्रह्मा जी ने कहा आपसे बड़ा कौन, तो ब्रह्मा जी के बाद। तो इतने में भूल जाए पार्वती और ब्रह्माणी कुछ नहीं बोल पा, लक्ष्मी जी को तो काटे से खून नहीं, लक्ष्मी जी को थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा जल्दी हो जाता था, ये एकदम अचानक होता है, जो अपने मायके से थोड़ा माल ज्यादा लाती है ना वो अकड़ में रहती है, ऐसा रहता है। तो लक्ष्मी जी जब ब्याई थी ना भगवान विष्णु के साथ में, तो लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ ब्याई थी तो समुद्र देवता ने कितना दिया था, रत्ना करने कितना दिया, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पिताम्बर सब लक्ष्मी जी के कन्याराम ने दिया, तो लक्ष्मी जी का अहंकार रहता थोड़ा सा। तो लक्ष्मी जी ने कह दिया फिर विचार कर लो, भगवान विष्णु ने कर लिया विचार, अच्छे से सोच लिया, सोच लिया तुमसे बड़ा कौन, भगवान बोले भक्त, लक्ष्मी जी बोली ठीक है अगर तुमसे बड़ा तुम्हारा भक्त है तो भक्त मेरा जेठ लगा, ठीक है भक्त कौन लगा लक्ष्मी जी का जेठ। अब लक्ष्मी जी उसकी क्या लगी, बहू, तो बहू जेठ से खुले से रहती है कि पर्दे में रहती है, जो कैसे बोले जरा, पर्दे में रहती है, इसीलिए जो भक्त होते हैं ना इससे लक्ष्मी पर्दा करता है इनके जीवन में। कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम तो भगवान का व्रत करते हैं, हम उपास करते हैं, हम ये करते हैं, पर भगवान हम ही को दुख क्यों देता है, लक्ष्मी पर्दे जेठ है भक्त थोड़ा। भगवान विष्णु ने पूछा तुम कहना क्या चाहती हो, लक्ष्मी जी कहने लगी अगर भक्त आपसे बड़ा है तो मेरा जेठ हो गया, मैं उसकी बहू हो गई, इसलिए आपके भक्त लक्ष्मी जी से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि बहू में और जेठ में दूरी होती है। नारायण मन में सोचे हो गया कल, अच्छा पत्नियां प्रश्न बहुत करती हैं और इनके प्रश्न का उत्तर बहुत सोच समझ कर देना, जितने भेरू बैठे हैं उनसे निवेदन
जब जब प्रश्न करे तब तक 50 बार सोचना कि उत्तर दूं किन्नी दूं। देव सको तो देव नहीं तो अटेंशन उठा ऑफिस जा, फालतू की बात करो ही मत, अपने पानी की बॉटल उठा मैं दुकान पर, अपने बोल नहीं मुझे कितने ही बोले पर अपने नहीं बोले। तुम बोले और ये गर्जी, तुम बोले और ये गर्जी, तो तुम बोले। भगवान विष्णु को लगा कि लक्ष्मी बोल रही है कि मैं भक्तों से दूरी बनाकर रखूंगी क्योंकि वो मेरे जेठ हैं तो मैं दूरी रखूंगी। शंकर भगवान ने बुलाया लक्ष्मी जी को, इधर आओ लक्ष्मी, आपको मालूम है आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ किसने करा, आपको मालूम है? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ प्रभु मुझे मालूम है। किसने करा है? लक्ष्मी जी बोली आपने कराया, आपको मालूम आपकी मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी की माता नाम तक ख्याति, आपकी मां ख्याति देवी मेरे मंदिर में आती, मेरी पूजन करती, मेरी आराधना करती, मेरा स्मरण करती और अपनी बेटी लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहती थी, पर मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि नारायण आपको स्नेह करते थे इसलिए आपका विवाह लक्ष्मी जी के साथ मैंने कराया। लक्ष्मी आपका विवाह नारायण के साथ मैंने कराया है और अगर मैंने विवाह कराया है तो मैं कौन हूं तुम्हारा? जो विवाह कराने वाला होता है घर का बुजुर्ग होता है बड़ा होता है तो मैं कौन? ससुराल। अब मैं तुम्हारा घर का बड़ा बुजुर्ग, तो सुनो लक्ष्मी, घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में देता हूं। अभी तक तुम लक्ष्मी थी केवल, अभी तक केवल तुम लक्ष्मी थी। लक्ष्मी आज से मैं अपनी तिजोरी की चाबी तुम्हें देता हूं, मतलब तुम्हारे घर में कोई भी आएगा, चाहे भक्त आए चाहे साधारण सा व्यक्ति आए, सबको लक्ष्मी देना पड़ेगी। तो तुम्हें तिजोरी की चाबी दे रहा हूं, आज से मेरा महादेव नाम का आगे का नाम महा तुझे दे रहा है, आज से तू लक्ष्मी नहीं रही, क्या नाम पड़ गया? जम के बोली दे रहा है महालक्ष्मी हो गई, मैंने अपना महासंबोधन दे दिया, मतलब तिजोरी की चाबी दे। अब भगवान विष्णु खुश हो गए। भगवान विष्णु ने कहा वाह वाह प्रभु बड़ी गजब कर दी आपने, ये तो भक्तों से दूरी बना रही थी पर आपने लक्ष्मी बना दिया। भगवान शंकर ने कहा सुनाओ लक्ष्मी, आज से मैंने आपको महालक्ष्मी बनाया है, पर एक बात का ध्यान रखना लक्ष्मी, सुन लक्ष्मी, भक्त हो चाहे साधारण सा मानव हो, जब शंकर का स्मरण करेगा, शिव नाम की भक्ति करेगा, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, चाहे वो राम का, कृष्ण का, नारायण का, किसी का भी भक्त हो, अगर शंकर का नाम लेता है तो लक्ष्मी तुझे उसका भंडार भरना ही पड़ेगा, चाहे कोई हो, लक्ष्मी को महालक्ष्मी तू भंडार। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप चलते हैं, और वीडियो भी बन गया है तो चलिए बाहर चलते हैं, और यहाँ से हम लोग आ चुके हैं बाहर। तो गाइज वीडियो को भी कर देते हैं यहीं पे एंड, थैंक्स वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पे न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब। गुड बाय।